सुई कैसे लगाते हैं। तो गाइस सुई के बारे में पहले बता दूं, ये बड़ी मशीन है, जैसे बड़ी मशीन मॉडल हेल्थ फुल शटल का मशीन है। एक हमारे पास हाफ शटल का मशीन है, पीको में ही आता है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार गाइज, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारे सुलेमान झुक्की मशीन में आप लोग का स्वागत है। गाइज अगर हमारे टिकटॉक में देखते हैं, हमारे यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा। तो गाइज ये देखिए हमारे पास पीको मशीन है, इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना के डाल चुका हूँ, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत दिए हैं करेंगे। तो गाइज ऐसे ही मोटिवेट आप लोग करेंगे तो हम वीडियो और अच्छा अच्छा बना के देता रहूंगा। तो गाइज ये पीको मशीन है, ये पीको मशीन में सुई कैसे लगाते हैं। तो गाइज सुई के बारे में पहले बता दूं, ये बड़ी मशीन है, जैसे बड़ी मशीन मॉडल हेल्थ फुल शटल का मशीन है। एक हमारे पास हाफ शटल का मशीन है, पीको में ही आता है। तो गाइज जो मशीन हमारे पास, मैं अगले वीडियो में आप लोग को उसके बारे में बता दूंगा। अभी हमारे पास यहाँ पे मशीन है, वो भी मशीन साइड में रखा हुआ है कहीं पे। तो गाइज वो भी उसका भी वीडियो दूंगा, लेकिन पहले इसका वीडियो बता दूं कि इसका 2-3 वीडियो मैं दे चुका हूँ। तो गाइज बहुत लोग सुई उल्टा लगा देते हैं पीको मशीन में, सब लोग बड़ी मशीन समझ के इसका सुई उल्टा लगा देते हैं, सोचते हैं बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन का सुई जैसे बड़ी मशीन का सुई लगता है, बहुत लोग यही सुई लगा देते हैं, बड़ी मशीन का सुई बड़ी मशीन जैसे ही लगा देते हैं। तो गाइज आप लोग गलत करते हैं। तो गाइज आप लोग को मैं बता देता हूँ, तब तक लिए गाइज अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, मैं आपको वीडियो में दिखाते हैं, तब तक गाइज आइए इधर देखते हैं। तो गाइज ये देखिए हमारे पास सुई, बड़ी मशीन का सुई है, बड़ी मशीन का सुई गोला होता है, देख लीजिए गोल गोल में है, और ये बड़ी मशीन में भी लग जाएगा, ये मशीन में भी लग जाएगा, और ये मशीन में दूसरा कोई मशीन है, दूसरा कोई सुई नहीं लगेगा, जैसे बोले तो इंटरलॉक का भी नहीं लगेगा, छोटी मशीन का भी सुई नहीं लगेगा, लगेगा इसमें बड़ी मशीन का सुई जो गोला वाला होता है, 16-18 का सुई लगेगा। तो गाइज सुई का नाम नंबर ही बता देता हूँ, DB18 या DB16 का सुई लगेगा। तो गाइज जिस पे आप सेटिंग कराएंगे मिस्त्री लोग से, फिटर लोग से, वही सुई इसमें चल सकता है, बड़ी मशीन का ही सुई सेटिंग होता है, क्योंकि ये इसका चुटकी होता है गोला में, गोला ही सुई लगता है। तो गाइज आप लोग को बता दूँ, ये जो पीको मशीन का सुई है, ये पीको मशीन का सुई जैसे इंटरलॉक का लगा रहता है, इंटरलॉक का, जैसे इंटरलॉक में सीधा होता है, जो एक कटा हुआ भाग होता है, जो नाली बना हुआ, ये नाली वाला एक भाग, जो कटा वाला भाग, जो कटा वाला भाग होता है पीछे होता है, जो नाली वाला भाग होता है वो आगे की तरफ रहता है। और गाइज ये नाली वाला भाग ऐसे ऊपर करेंगे, ऊपर लगाएंगे, अभी आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं, पहले मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो गाइज देखिए, अभी ये इधर देखिए, यहाँ पे ये सुई लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए नाली वाला, नाली जो है, नाली बना है, नाली ये देखिए नाली बना है, यहाँ पे नाली, ये नाली बना है, जो ये नाली आगे के साइड पे है, और जो ये खालता है पीछे साइड पे, देखिए ऐसे हाथ लगा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो गाइज ये सुई यहाँ से, यहाँ पे इसका पेच है, देखिए नीचे साइड पे इसका पेच है, यहाँ पे, यहाँ पे इसका पेच है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेच है, ये पेच खोलेंगे, और खोलने के बाद में सुई को ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर टाइट कर दें, ऊपर ले जाएंगे, ले जाने के बाद में इंटरलॉक के तरीके से आगे के साइड पे नाली दिखाना है और टाइट कर देना है। और मशीन में अगर कोई कमी बेसी होता है तो गाइज देखिए, ये पीको मशीन है, बड़ी मशीन होता है, बड़ी मशीन में उल्टा भी लग जाता है सुई तो चल जाता है, लेकिन ये पीको मशीन क्यों, पीको मशीन में नहीं चलता है, क्यों बार बार सुई टूटने लगता है, क्योंकि जैसे जिगजॉग है, ये दोनों तरफ गिरता है, आगे पीछे, इधर उधर चलता है, इधर उधर नीचे ऊपर चलता है। तो गाइज ये पीको मशीन है, तो इसमें गाइज आप लोग यही ध्यान दीजिए, सुई सीधा लगाइएगा, और मशीन में जैसे सेटिंग होके आता है, अगर सुई उल्टा लगा देंगे तो मशीन नहीं चलेगा, सुई बार बार टूटेगा। तो गाइज टूटने के भी बारे में एक वीडियो में आप लोग को दे दूंगा। तो गाइज अभी यही समझ लीजिए, सुई सीधा लगता है, अगर आप मशीन खराब भी, जैसे बहुत लोग जैसे मशीन बना के ले जाते हैं, अगर कहीं सुई बाई चांस कहीं मोती पड़ गया पीको करने पे, कोई अथवा कोई भी चीज़ पड़ जाता है तो टूट जाता है। तो गाइज अगर टूट जाता है तो सुई सीधा लगाएं, सुई सीधा लगाएंगे तो जान लीजिए इसका आधा बीमारी दूर हो जाएगा। तो गाइज यही था वीडियो में, अगले वीडियो में आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहूंगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं।